हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड के ऊपर। जैसे कि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो दोस्तों 2022 में न्यू अपडेट आया है UIDAI का तरफ से और गवर्नमेंट का तरफ से। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको इस वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि इंडिया में हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड 1, 2, 3, 4, 5 कॉपी ऑलरेडी पड़ा हुआ है जेब में। तो चलिए आज का वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आप लोगों को ऐसा बताऊं जिसका माध्यम से दोस्तों आपका पास अगर इतना आधार कार्ड है तो आपको शायद ये आधार कार्ड बैंड होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर में से क्या होता है, हमारा पास ओरिजिनल ही आता है, बाई पोस्ट का द्वारा एक ही आता है। मान के चलो कोई भी कारणवशत में हमारा पास आधार कार्ड नहीं आया है तो हम क्या करता था उस टाइम, कोई भी आधार सेंटर, तो CSC सेंटर में, ऑनलाइन दुकान में, साइबर कैब में जाके हम आधार कार्ड नंबर देके हम ई आधार डाउनलोड कर लेता था। और वो हम दोस्तों आधार कार्ड इस तरह PVC में, बोलो सॉरी, इस तरह हम लोग आधार कार्ड बनवा लेता था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा आधार कार्ड वगैरह है, ये दोस्तों नॉर्मल आधार कार्ड है। ठीक है, तो आप क्या करता है, इस तरह आधार कार्ड निकाल देता है अगर आपको आधार कार्ड नहीं मिला है तो। तो ऐसा भी बहुत सारा भाई लोग है दोस्तों, उसके पास आधार कार्ड ऑलरेडी नंबर भी तो आ चुका है मैसेज में, क्योंकि उसका आधार कार्ड अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका पास अगर इतना सारा आधार कार्ड है, मान लो मेरे पास 1 है 2 है, वो भी ऐसा मेरे पास बहुत सारा आधार कार्ड है, अगर आपका पास इतना आधार कार्ड है तो ये आधार दोस्तों आधार कार्ड जो है आपका बाय डिफॉल्ट बैंड होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो का माध्यम से कुछ जानकारी सीखेंगे ऐसा। अगर आप इस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा तो आपको इस वीडियो का माध्यम से पूरा इसका जानकारी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपका भाई का नाम जानो, मेरा नाम अशोक और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हमारा आर्टिकल अभी तक आप लोग नहीं पढ़ा है तो हमारा डिजिटल अशोक स्टोर गूगल में सर्च करना, हमारा एक वेबसाइट निकल के आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो का माध्यम से कुछ मुद्दे का बात बोले। सबसे पहले दोस्तों 2014 में हमारा आधार कार्ड, 2014 के 13 में हमारा आधार कार्ड इंडिया में लॉन्च किया गया था, जो हमारा गवर्नमेंट सरकार से। ठीक है, वो तो गवर्नमेंट से। अभी दोस्तों ये जो आधार कार्ड नियम आ चुका है, 26 जनवरी मेरे को मिला है, मेरे को सुनने को मिला है नोटिफिकेशन भी किसी का भी पास से, लेकिन ये जो अपडेट है दोस्तों आपको जनवरी महीना में से दे दिया है। ठीक है, जनवरी महीने से ये जो अपडेट है दोस्तों दे दिया है। अगर आपका पास कोई भी नॉर्मल पेपर से आधार कार्ड आपका पास अगर है तो वो आधार कार्ड आपको वैलिड नहीं रहेगा। जैसे कि मेरा पास एक नॉर्मल कॉपी, जैसे कि आप देख सकती है मेरा नॉर्मल कॉपी है, और ये आधार कार्ड मेरा अभी 2022 में इस आधार कार्ड मान के चल कोई भी जगह में यूज़ करने के लिए जाएंगे तो ये मेरा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वैलिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आधार कार्ड जो है हम इसको रीप्रिंट करके निकला है। तो दोस्तों अभी गवर्नमेंट और UIDAI का कहने का मतलब ये है, अगर आपका पास इतना सारा आधार कार्ड है तो आप इसको बोलो तो एडिट भी करके भी बना सकती है। बोलो तो अभी तो साइबर कैब में बहुत सारा ऐसा भी है जो आप इसको एडिट भी कर सकते, जैसे कि किसी के साल 18+ नहीं हुआ है, वो 18+ कर दिया, ऐसा भी हो सकती है। बहुत सारा कारण हो सकता है, डिसीजन हो सकती है, नहीं तो क्यों ऐसा सिस्टम किया है। तो अभी दोस्तों डायरेक्ट UIDAI खुद से ये लॉ बोलो तो अपडेट दिया है, अगर आपका पास 2022 में इस तरह आधार कार्ड होगा तो आपको इस आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। अगर आपका पास इस तरह आधार कार्ड है, जैसे कि हम इसको बैंड करेंगे तो बैंड हो रहा है, ये हमारा डुप्लीकेट आधार कार्ड, बोलो तो ये जो है दोस्तों रिप्रिंट करके रखा है, बोलो तो साइबर कैब में जाके इसको प्रिंट आउट निकल के इसको हम बोलो तो मोटा प्लास्टिक में डाक कर दिया है। तो अभी दोस्तों इस तरह अगर आप आधार कार्ड कोई भी जगह में यूज़ करने के लिए जाएगा तो ये आधार कार्ड आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो आपको इस तरह निकलना है, किस तरह आपको लेना है तब आपका वैलिड रहेगा। दोस्तों अभी आप बोल सकती है भाई हमारे पास तो इतना बहुत 5-5-6 आधार कार्ड है नॉर्मल वाला, तो क्या हमको सबको मंगवाना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, 2022 में आपको सबको इसी तरह आधार कार्ड मंगवाना पड़ेगा। जैसे कि मेरा पास देख पा रहे हैं यहाँ पे, मेरा ये आधार कार्ड है, मेरा खुद का आधार कार्ड है, ये PVC आधार कार्ड। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों PVC आधार कार्ड है, अरे दोस्तों ओरिजिनल आधार कार्ड। ओरिजिनल कैसे हुआ है ये दोस्तों, डायरेक्ट UIDAI का तरफ से दोस्तों डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर तक आ जाता है मिनिमम 5 से 7 दिन के अंदर अंदर। अगर मान के चलो सिटी में रहता है तो 5 दिन में आ जाएगा, अगर आप गांव क्षेत्र में रहता है तो आपको मिनिमम 7 से 10 दिन तक लग जाता है। ठीक है, तो अभी इसको अभी आप कैसे मंगवाएगा, बहुत सारा भाई लोग का कन्फ्यूजन ये है जो हम इसको कैसे मंगवाए, भाई हमारा पास हमारा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो हम इसको कैसे मंगवा सकती है। तो चलिए इसके भी हम लोग सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बता दें, क्योंकि इसको मंगवाने के लिए नहीं कोई आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जरूरत और नहीं कोई आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। दोस्तों अगर आपके पास रजिस्टर नंबर नहीं है तो आपका पास जो भी मोबाइल नंबर है उसी नंबर से आप बोलो तो रजिस्टर कर सकती है। तो इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे
किस तरह आप आधार कार्ड को मंगवा सकती है ऑनलाइन। लेकिन दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँ, लेकिन दोस्तों मैं फुल प्रोसेस नहीं करूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास आधार कार्ड ऑलरेडी प्लास्टिक वाला है, ठीक है ना, मेरे पास ऑलरेडी प्लास्टिक वाला है। तो मैं उसके लिए दोस्तों कुछ चीज़ आपको दिखाऊंगा, बोलो तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा प्रोसेस दिखाएंगे, आप उस तरह फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी देखना है, तब दोस्तों आपको एक आधार कार्ड प्लास्टिक वाला जो मंगवाना है आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कंप्यूटर में कैसे आप मंगवाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है जो माय आधार ऑफिशियल वेबसाइट में। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑन ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्लिक कर लेना है सैंपल। दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर दिया है, हमारा सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती है। इस आधार कार्ड को मंगवाने के लिए सिर्फ ₹50 आपको चार्ज लिया जाएगा, जो आपको वन टाइम पे करना है। जितना बार आप आधार कार्ड मंगवाएगा उतना बार आपको पे करना है। दोस्तों ये जो वीडियो हो रहा है सिर्फ आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तब इसको कर सकती है, लेकिन हम लोग बात करेंगे हमारा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है नहीं है तो हमको किस तरह करना है। सबसे पहले दोस्तों इसको हम पहले बुक कर लेता है, क्योंकि हमारा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो हम इसको अभी बुक कर लिया है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकती है हमारा अभी आ चुका है पेमेंट गेट हुए, यहाँ पर हमको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों हम पहले फ़ोनपे एंड गूगल पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है ओनली ₹50, ठीक है, उस जगह में हम सिलेक्ट कर लेता है। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे प्रोसीड बार में क्लिक करेंगे। प्रोसीड बार में क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपका सामने इसमें इस तरह ऑप्शन आएगा प्लीज़ वेट बताएगा। दोस्तों हमको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें प्रिंट फ़ोनपे QR कोड हमको इसमें ओपन कर दिए। करने के बाद दोस्तों हमारा इस तरह कुछ टाइम लोडिंग लेगा, लेने के बाद दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी दोस्तों आपका पास एक CRN नंबर भी लोड हो जाएगा। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड एक्नोलॉजमेंट नंबर में क्लिक कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपका जो एक्नोलॉजमेंट नंबर है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स हम यहाँ पे फिर से दोबारा चेक कर सकती है। नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रिंट, तो हमको दोस्तों क्लिक करना है। दोस्तों नीचे हमको मिल जाता है एक्नोलेजमेंट का डाउनलोड करने का स्लिप, तो चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड और एक्नोलेजमेंट स्लिप को ओपन कर देंगे। करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक्नोलेजमेंट स्लिप जो है इस तरह निकल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको आ जाना है myaadhar.uidi.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। अगर जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, और जिसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में नहीं है तो उसका तो बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि उसको कैसे आधार PVC निकलना है, बहुत सारा फाइल इस तरह कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आज दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, आपको कंफ्यूजन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे इंटर आधार में क्लिक करना है, इंटर कैप्चर डालना है, बस सेंड OTP करना है, आपके पास OTP आएगा, जो रजिस्टर नंबर है वहाँ पे OTP आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊँ, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, तब भी दोस्तों आप इसको मंगवा सकते हैं। तो कैसे मंगवाए, जैसे कि यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने का है, इसके बाद दोस्तों इसमें कैप्चर डालकर सेंड OTP करना है, तो ये होता है आपका आधार कार्ड वाला, बोलो तो मोबाइल नंबर रजिस्टर वाला। जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वो कैसे करेगा, नीचे आपको सैंपल डाउन करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं वाटरमार्क कर देता हूँ, आपको मोबाइल नंबर लेकर आना जरूरत नहीं है, आपको कोई भी मोबाइल नंबर डालो तो यहाँ से आपको हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ, और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लॉगिन नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑर्डर PVC में। उससे पहले दोस्तों हमको इसमें क्या करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ₹50 इसमें भी चार्ज लगा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, एनरोलमेंट नंबर आकर नाम का, चलो हमको एनरोलमेंट नंबर मिला है, आधार कार्ड नंबर पता नहीं है, तो आप दोस्तों इस नंबर से भी कर सकती है। अगर दोस्तों हमारे पास आधार कार्ड है तो इसमें हमको आधार कार्ड नंबर डालना है, चलिए हम इसमें आधार कार्ड नंबर को फटक से फिल कर देंगे। डालने के बाद दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फटक से, ठीक है। डालने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है, उसके बाद आपको फुल प्रोसेस के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद क्या क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों मेन फंडा का बात क्या है, बहुत सारा फैलो कन्फ्यूजन इसीलिए होता है। यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों इसमें बता रहे माय मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर, यहाँ पे आपको सैंपल क्लिक करना, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकती है इसमें बता रहे माय मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर, इसमें आपको सैंपल क्लिक कर लेना है। जब दोस्तों क्लिक करेगा यहाँ पे उसी नंबर डालना है जो नंबर आप डालना चाहता है, तो मान के चलो मैं एक सैंपल एक नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे इस नंबर को मैं अभी डाल देता हूँ। दोस्तों ये नंबर आपको वैलिड बोलो तो ये जो रजिस्टर नहीं होगा, आप सोच रहे रजिस्टर हो जाएगा इस नंबर, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा बात नहीं है। आप दोस्तों इस नंबर का द्वारा आप दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। इसमें बता रहा है मेरा इनवैलिड कैप्चर बता रहा है, तो कैप्चर को दोस्तों मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों चलिए मैं कैप्चर को यहाँ पे जाके चेंज कर लेता हूँ, चलिए मैं थोड़ा डाउन करके इसको मैं कैप्चर को चेंज कर लेता हूँ। इसमें कैप्चर मेरा गलत बता रहा है, चलिए मैं ई डाल देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आर डाल देता हूँ, उसके बाद दोस्तों YX S डाल दे के फिर से दोबारा दोस्तों मेरे को सेंड OTP में क्लिक करना है।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकती है, यहाँ पे डायरेक्ट अभी सेंड ओटीपी हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरनेट का थोड़ा स्लो है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ओटीपी जनरेट सक्सेसफुल हो चुका है। मेरा ओटीपी दोस्तों मेरा मोबाइल में आ चुका है, ठीक है। अभी आप सोच सकती है जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी लिए बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें मैं सैंपल क्या किया था, यहाँ पे दोस्तों माई मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर में क्लिक किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी का हमको यहाँ पे डाल देना। जब दोस्तों हम ओटीपी को डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ओटीपी को डाल देंगे, अभी ओटीपी को डालने के बाद दोस्तों हमारा क्या होगा, उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के लिए बताएगा। इसमें दोस्तों नोटिस दिया है नोट, इसमें बता आधार ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड वाई पाइंग 50 रुपीज इंक्लूस ऑफ जीएसटी स्पीड पोस्ट चार्जेस यूज और आधार नंबर यूआईडी टू आधार ऑर्डर आधार कार्ड। दोस्तों अब इसमें जो ऑफिशियल ट्विटर है उस जगह में भी आप पढ़ सकती है, इसका आधार कार्ड का जो ये है इसके बारे में यहाँ पे दे के रखा है। तो उसके बाद दोस्तों हमको इसमें टिक मार्क कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बता रहा है आई एग्री है, बोलो तो आप इसमें कन्फर्म है, तो आप इसको इसमें सबमिट करने के लिए बता रहा है, ठीक है। तो मेरा पास ओटीपी अभी तक नहीं आया, अगर आपके पास ओटीपी नहीं आएगा तो फिर से दोबारा आप इसमें ओटीपी को सेंड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट कर लेना है। जब दोस्तों सबमिट करें, मान के चले मैं चुपके ओटीपी डाल देता हूँ यहाँ पे इस तरह, डालने के बाद दोस्तों में क्या करें सबमिट करेंगे तो हमारा दोस्तों नहीं होगा। दोस्तों बता रहा है इसमें बता रहा मेरे बता रहा टेम्परेरी एरर बता रहा है, क्योंकि मेरे पास ओटीपी जो है इसमें नहीं आया। तो आप इस तरह मंगवा सकते हैं। चलिए आज का वीडियो का माध्यम से आप लोग शायद जान लिया है किस तरह आपको मंगवाना है। तो मैं आशा करेंगे आपको इस वीडियो का माध्यम से पूरा जानकारी।